Happy Diwali to everyone, to all my beautiful people. कैसे हो आप सब लोग? परमात्मा करे कि ये दिवाली आपके जीवन में ढेर सारी वाली खुशियां और बहुत सारी वाली अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स और परमात्मा का ढेर सारा वाला आशीर्वाद लेकर आए. माय ब्यूटीफुल पीपल, आप सभी लोगों का मैं वेलकम करती हूँ आज की इस रीडिंग के अंदर. आई होप आप सभी लोग एकदम बढ़िया हैं, और नहीं है तो भाई हो जाए, क्योंकि अब दिवाली आ गई है. दिवाली का सेलिब्रेशन, दिवाली की ब्लेसिंग्स, दिवाली का मैनिफेस्टेशन सब होने वाला है. सो माय ब्यूटीफुल पीपल, आप सभी लोगों का स्वागत करती हूं मैं आज की इस वीडियो, आज की इस रीडिंग के अंदर. आज हम बात करने वाले हैं दिवाली और दिवाली ब्लेसिंग की. प्लस आज मैं आपको कुछ ऐसी गाइडेड रेमेडीज देने वाली हूँ जो आप दिवाली के दिन कर सकते हैं. इवन जो गोवर्धन का दिन आता है, दूसरा जो दिन आता है दिवाली के बाद का, उस दिन भी आप कर सकते हैं, और आप भाई दूज को भी कर सकते हैं. तो ये जो रेमेडीज आज मैं आप लोगों को दूंगी, आपके धन धान्य वैभव और अच्छी पर्सनल पॉजिटिव लाइफ के लिए, वो आप रेमेडीज कर सकते हैं आगे आने वाले 3 दिनों में. यानी कि आपकी जो बड़ी दिवाली है उस दिन, आपकी जो क्या कहते हैं गोवर्धन है उस दिन, एंड डेफिनेटली आपकी जो भाई दूज आएगी उस दिन भी आप कर सकते हैं. ठीक है, सो माय ब्यूटीफुल पीपल, आइए शुरू करते हैं आज की इस रीडिंग को और देखते हैं कि माय ब्यूटीफुल पीपल, व्हाट दिस दिवाली गिविंग यू. ओके, ये दिवाली आपको क्या देने वाली है, ये दिवाली आपके जीवन में क्या मैनिफेस्ट करने वाली है. क्योंकि आपको पता है कि दिवाली का दिन हमेशा आता है अमावस्या के दिन, यानी कि न्यू मून के दिन, और न्यू मून है. और इस बार हर त्योहार 2024 में दो दो दिन मनाया गया है. तो बहुत जगह दिवाली को 31 को मनाया जा रहा है, और बहुत जगह दिवाली को 1 तारीख को, यानी कि 1 नवंबर को भी मनाया जा रहा है. सो इट्स टोटली अप टू यू माय ब्यूटीफुल पीपल कि आप कब मना रहे हैं. बट मेरे हिसाब से जो अमावस्या का समय लगेगा वो लगेगा 31 तारीख को रात को 10:00 पे, शायद 51 या 58 मिनट के आसपास. और उसके बाद माय ब्यूटीफुल पीपल ये रहने वाला है आपके 1 तारीख के पूरे दिन और पूरी रात. सो व्हाट आई बिलीव इज कि 1 तारीख को दीपावली मनानी चाहिए. मुझसे बहुत सारे लोगों ने पूछा था, इसलिए मैंने अपनी राय बता दी. सो माय ब्यूटीफुल पीपल, आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि दिवाली जो है, दीपावली जो है, आप लोगों के जीवन में कौन सी ब्लेसिंग्स लेकर आ रही है, आपका दिन कैसा जाएगा, आपका कैसा समय रहेगा. प्लस माय ब्यूटीफुल पीपल, लेट्स सी व्हाट ब्यूटीफुल गुड थिंग्स यू आर मैनिफेस्टिंग बिकॉज ऑफ दिस दिवाली. सो माय ब्यूटीफुल पीपल, हियर वी हैव 2 piles. ये है पाइल नंबर 1 और ये है पाइल नंबर 2. आपने इन दोनों में से पिक करना है कि आपका डेट ऑफ बर्थ कहाँ है. यस, वेयर इज नॉट डेट ऑफ बर्थ, सॉरी, योर अल्फाबेट, योर नेम एंड नेशन. आई थिंक मैं कुछ ज्यादा एक्साइटेड हो गई दीपावली को लेके. ओके, सो आपने क्या करना है ब्यूटीफुल पीपल, यहां से पिक करना है कि आपके नाम का पहला अक्षर. अगर आपके नाम का पहला अक्षर AKOPVCSYQGWX में से कोई एक है, तो आप पाइल नंबर 1 को पिक करेंगे. ठीक है, अगर आप लोगों का डेट ऑफ बर्थ ZRMJBLTNHEUDIF में से कोई एक है, तो आप पाइल नंबर 2 को पिक करेंगे. ठीक है, सो आई होप आपको आपका इनिशियल मिल गया होगा, नाम का पहला अक्षर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा नहीं, नाम का पहला अक्षर. जैसे मेरा नाम प्रियंका है, तो मैं यहां पर ढूंढूंगी प्रियंका किससे स्टार्ट होता है, पी से स्टार्ट होता है, तो पी कहाँ है, पी यहाँ है, तो पाइल नंबर 1 मेरी हुई. ठीक है, सो माय ब्यूटीफुल पीपल, ऐसे ही आपने करना है, अपने नाम के पहले अक्षर को पिक करना है, और इस रीडिंग को एंजॉय करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर आप पहली बार आए हैं तो. एंड माय ब्यूटीफुल पीपल, कमेंट में अपना प्यार और सजेशंस मुझे ना देना भूले रिगार्डिंग दिस वीडियो, रिगार्डिंग दिस रीडिंग, प्लस आने वाली हर रीडिंग के लिए. चलिए शुरू करते हैं विद द पाइल नंबर 1 एंड देखते हैं व्हाट ब्लेसिंग्स आर कमिंग ऑन दिस ब्यूटीफुल दिवाली.
हाई टू ऑल माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर वन पीपल, कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज की इस रीडिंग के अंदर। आई होप आप सब ठीक हैं। और आपने पिक किया है पाइल नंबर वन को, इसका मतलब ये कि भाई आपकी जो नाम का पहला अक्षर है ना, आपके जो नाम का पहला अक्षर है वो हो सकता है AKOPVCSYQGWX में से कोई एक है ना। अगर ऐसा है तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं कि यार आपकी जिंदगी में दिवाली जो है, दीपावली जो है, कौन सी ब्लेसिंग्स लेकर आ रही है। और मैंने उस कार्ड को वहां लगा दिया जिससे कि आप लोगों को थोड़ा सा पता लगता रहे दैट व्हाट इज फॉर यू, ओके, लाइक व्हाट इज एग्जैक्टली फॉर यू, कि पाइल नंबर वन की रीडिंग चल रही है या टू की चल रही है। चलिए तो शुरू करते हैं और देखते हैं कि आखिरकार दीपावली आप लोगों के जीवन में क्या लेकर आ रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। AKOPVCSYQ हे ईश्वर, हे सर्वशक्तिमान परमात्मा, गाइड कीजिएगा जिन्होंने पाइल नंबर वन को पिक किया है, मेरे पॉजिटिव एंसेस्टर्स, प्यारे एंजल्स एंड ऑल द डिवाइन बीइंग्स, प्लीज प्लीज बताइए, प्लीज बताइए। हाई प्रिस्टेस, द नाइट ऑफ कप्स, क्या बात है, The Ten of Pentacles, nice. Bottom of the deck की ऊर्जा मैं आप लोगों को बता देती हूँ. So bottom of the deck है Nine of Pentacles की ऊर्जा. Protect your dreams. लास्ट में हम ये भी देखेंगे कि गणेश जी की तरफ से आपको क्या ब्लेसिंग्स हैं, गणेश जी की तरफ से क्या मैसेजेस हैं, ऑब्स्टिकल्स, रिसाइकल एंड अलाव। वाव, बॉटम ऑफ द डेक इट्स हार्मनी का कार्ड। कार्ड्स तो अच्छे अच्छे आए आप लोगों के लिए, नाइस। चेंज, इंटेंसिटी, आइसोलेशन, बॉटम ऑफ द डेक अगेन ड्रीम्स, सपनों की बार बार बहुत बात हो रही है यहां पर, सपनों से जुड़ी हुई चीजों के बारे में बात ज्यादा हो रही है। चलो देखते हैं, उससे पहले हम लोग यहाँ पे नजर दौड़ा लेते हैं एक बारी। तो यहाँ पर है द ब्यूटिफुल टेन ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा, किंग नाइट ऑफ कप्स एंड हाई प्रिस्टेस, दैट मीन्स कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, ये आपकी राशियां हो सकती हैं। कैंसर आपकी राशि हो सकती है, ठीक है, ये आपकी राशियां हो सकती हैं। और या तो ये आपकी नाम राशि हो सकती है, या फिर तिथि की राशि हो सकती है, या वेस्टर्न कैलेंडर के हिसाब से राशि हो सकती है, या ऐसा भी हो सकता है माय ब्यूटीफुल पीपल कि अभी हाल फिलहाल आपकी एनर्जी जो है टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस में बहुत ज्यादा चल रही है, ठीक है। सो What blessings are coming? Actually, सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा प्रेजेंट आपका सिनेरियो एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, जस्ट अ लिटिल बिट। आपकी जिंदगी में हो सकता है बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स चल रहे हैं, लोग दिवाली मना रहे हैं, लोग फेस्टिवल इंजॉय कर रहे हैं, लोग फेस्टिव सीजन को इंजॉय कर रहे हैं, बट यू हैव सम नेगेटिव ग्रजेस इन योर माइंड सेट। इवन आपके दिमाग में ना, मेरे को ऐसा फीलिंग आ रही है कि आपके लिए दिवाली, होली, दशहरा, फलाना ढिमकाना सब एक समान है, सब एक जैसा दिन है, जब तक आप अपने उस लक्ष्य को नहीं हासिल कर लेते। मुझे यहाँ पे फीलिंग आ रही है बहुत स्ट्रांग, आप अपने किसी लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं। अब ये गोल कुछ भी हो सकता है, अपने पसंदीदा
पर्सन से, अपने पसंदीदा शख्स से शादी करना हो सकता है क्योंकि लव की एनर्जी है, या अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करना हो सकता है, या किसी टॉक्सिक रिलेशन से बाहर आना हो सकता है, गवर्नमेंट जॉब हो सकती है, अच्छा पैसा कमाना हो सकता है, अच्छा बिजनेस ग्रो करना हो सकता है. सो इट कैन बी एनीथिंग, ओके. या स्पिरिचुअलिटी में कुछ बड़ा क्रिएट करने की भी आपको हो सकता है इच्छा है, ठीक है. आपके कुछ सपने हैं जिनको आप प्रोटेक्ट करके रख रहे हो, आपके कुछ ऐसे सपने हैं जिनको आप कंप्लीट करना चाहते हो, जिनको आप फुलफिल करना चाहते हो, और आपके दिमाग में सिर्फ यही थॉट ऑफ पॉइंट चल रहा है कि किस तरीके से मैं अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर सकती हूँ, किस तरीके से मैं अपने सपनों को पूरा कर सकती हूँ. और उसी जुगत में आप लगे हुए हैं. समहाउ मैं ऐसा भी फील कर रही हूँ कि आपका जब दिमाग आप इन सब चीजों से हटाते हो, लाइक अपने इन ऑब्स्टिकल्स और अपने इन सारी परेशानियों से कहीं ना कहीं जब आप अपना दिमाग हटाते हो, तो कुछ समय के लिए आपके दिमाग में जरूर शांति होती है और आप प्रेजेंट मोमेंट पे जी पाते हो. अदरवाइज आप हमेशा पास्ट और फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हो, पास्ट में जो कुछ भी हुआ उसके बारे में, और जो फ्यूचर में होगा उसके बारे में आपके दिमाग में 24/7 कुछ कुछ चलता रहता है. सो बेसिकली व्हाट आई एम ग्रेस्पिंग हियर इज कि आपका जो दिमाग है ना वो स्थिर नहीं है. आप ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हैं आजकल, ठीक है, जबकि आपको पता है दैट ओवर थिंकिंग इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, फिर भी आप आइसोलेटेड फील करते हैं, आप ओवर थिंकिंग करते हैं, ठीक है, और फुल इंटेंसिटी के साथ ओवर थिंकिंग करते हैं. आप अपने आप को कहीं ना कहीं भीड़ में अकेला महसूस करते हैं, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है बहुत स्ट्रॉन्ग, ठीक है. तो ये तो चलो आपकी एनर्जीज हैं. नाउ लेट्स सी कि आप इस दिवाली क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, या इस दिवाली आपको कौन सी ब्लेसिंग्स मिलने वाली है. एक चीज तो मैं यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली फील कर रही हूँ, पाइल नंबर वन, कि जो ईश्वर है ना, जो ईश्वर है जिनसे आप बहुत प्यार करते हैं, या कोई ऐसी एंटिटी या कोई ऐसी एनर्जी, ठीक है, जिनसे आपको बड़ा मोह है, जिनसे आपको बहुत पॉजिटिविटी फील होती है, वो आपको एक चीज कहना चाहते हैं यहाँ पर. और वो आपको ये कहना चाहते हैं कि ये जो समय है ना, ये कभी वापस नहीं आएगा. आज जो समय है ना, वो आज है, वो कल नहीं होने वाला है. तो यहाँ पर आपको ये चीज कही जा रही है बार 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 बार, आपको ये चीज समझाई जा रही है बार 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 कि जो हो गया या जो होने वाला है वो आपके हाथों में नहीं है. गौर से सुनिएगा कि जो हो गया पास्ट में और जो फ्यूचर में होने वाला है वो आपके हाथों में नहीं है, लेकिन ये प्रेजेंट आपके हाथों में, इस प्रेजेंट को चलाने का पूरा जिम्मा सिर्फ और सिर्फ आपके हाथों में. अगर आप अपने प्रेजेंट को सही तरीके से नहीं चला पाओगे तो ऑब्वियस सी बात है आप अपनी जिंदगी में अच्छा फ्यूचर नहीं देख पाओगे. सो प्रेजेंट में रहने के लिए आपको बार बार प्रेरित किया जा रहा है आपकी उस एनर्जी के थ्रू, जो एनर्जी आपको काफी अच्छी लगती है, आपको पॉजिटिव लगती है, या जिनके अंदर आपकी विश्वास है, जिनके अंदर आपकी ऊर्जा है, ठीक है, जिनके अंदर आपकी श्रद्धा है. सो माय ब्यूटीफुल पीपल, व्हाट ब्लेसिंग्स आर कमिंग. सबसे पहली चीज आपके जीवन में इस दिवाली की वजह से ब्लेसिंग आ रही है, सपोर्ट. मैं फील कर पा रही हूँ कि या तो आपके जीवन में सपोर्ट नहीं है, पेरेंट्स का, फैमिली का, अपने स्पाउस, अपने पर्सन का, या अपने पार्टनर का, अगर आप किसी के साथ रिश्ते में हैं या किसी के साथ शादी के बंधन में बंध चुके हैं, ठीक है. सो फर्स्ट थिंग आई एम सीइंग हियर इज 10 of Pentacles का कार्ड है दैट यू डोंट हैव सपोर्ट फ्रॉम दी पीपल, यू डोंट हैव सपोर्ट फ्रॉम योर फैमिली, ओके. और अगर है भी तो वो इतना नहीं है जितना एक इंसान को चाहिए. या अगर आप बात करो कि भैया मेरे को ये ऐसे ऐसे चाहिए, तो कहीं ना कहीं वो सपोर्ट सिस्टम इतना मैं देख नहीं पा रही हूँ, ठीक है. सो वट आई बिलीव हेयर इज पाइल नंबर वन, आपकी जिंदगी में सपोर्ट सिस्टम आ रहा है. अभी सपोर्ट सिस्टम कहाँ से आ रहा है, फैमिली की तरफ से नहीं है ये सपोर्ट सिस्टम. ये सपोर्ट किसी ऐसे व्यक्ति या किसी ऐसे ग्रुप से आ रहा है जो आपने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था. मे बी जैसे अगर आप कहीं जिम जाते हैं तो वहां पे आपके कोई एक आध अच्छे दोस्त है वहां से, या आपने किसी उसको ज्वाइन किया हुआ है, क्या बोलते हैं, किसी ऐसे मेडिटेशन सेंटर को अगर आपने ज्वाइन किया हुआ है, या फिर आपने किसी ऐसी जगह को ज्वाइन किया हुआ है जहां पर बहुत सारे लोग आपके जैसे बहुत सारे लोग वहां आते हैं और वहां पर बातें करते हैं, बैठते हैं, अपने दिल की बातों को एक दूसरे से साझा करते हैं, बताते हैं. कुछ ऐसा मैं फील कर रही हूँ कि उनकी तरफ से आपको एक स्ट्रांग सपोर्ट मिलने वाला है. इवन आप अपनी इस दिवाली को ना बहुत कॉमन तरीके से नहीं मनाने वाले हो, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप इस दिवाली को किसी ऐसे आश्रम या किसी ऐसी जगह पर मनाने वाले हैं जहां पर अननोन लेकिन बहुत सारे लोग होंगे,
और ये किसी ना किसी चैरिटी या किसी ना किसी कॉज से जुड़े हुए होंगे, ठीक है। तो पहली चीज, आपको एक बहुत ही खूबसूरत सपोर्ट मिलने वाला है। इट विल बी एन इमोशनल पॉजिटिव सपोर्ट जो आपकी जिंदगी में भर भर के आ रहा है, ठीक है। सेकेंड थिंग आई एम सीइंग हियर इज, आपकी जिंदगी में ट्रू लव आ रहा है गाइस इस दिवाली की वजह से। अब ट्रू लव की ऊर्जा कौन सी ऊर्जा हो सकती है? ट्रू लव देखो जरूरी नहीं है कि किसी पार्टनर से आपको मिले। एक सच्चा प्यार आपको आपके किसी हीलर से मिल सकता है, एक सच्चा प्यार आपको अपने कई बार पेरेंट्स से भी मिल सकता है, ट्रू लव आपको अपने किसी दोस्त से भी मिल सकता है, अपने किसी सिबलिंग से भी मिल सकता है। सो बेसिकली कुछ लोगों की जिंदगी में ये ट्रू लव उनके पार्टनर या उनके फ्यूचर स्पाउस हो सकते हैं, और कुछ लोगों के लिए ये जो ट्रू लव है उनकी उनके किसी दोस्त, उनके किसी फैमिली मेंबर या किसी कोई न्यू इंसान अचानक से आया उनकी तरफ से मिलने वाला है। सो ट्रू लव इज कमिंग फॉर यू, ठीक है। ट्रू लव आपकी जिंदगी में आ रहा है और ये बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ आएगा। मतलब आप लोग इस चीज को फील कर पाएंगे कि हाँ, अगर किसी का सपोर्ट आपको मिले या अगर आप किसी के साथ इस ऊर्जा में रहो तो आप कितना कुछ अच्छा मैनिफेस्ट कर सकते हो, आपको ऐसा महसूस होगा, ठीक है। सो ट्रू लव इज कमिंग फॉर यू। एंड प्लस आई एम सीइंग एक और ब्लेसिंग जिसका नाम है हाइपरिस्टिक एनर्जीज। भाई ऐसा हो सकता है कि आप लोग ऑलरेडी एक स्पिरिचुअल सीकर हैं या आप एक विजडम सीकर हैं, या आपके अंतर मन में ना बहुत सारी क्रिएटिविटी है, बहुत सारी पावर है, बहुत सारा विजडम है आपके अंदर, ओके। एंड फॉर श्योर आपका वो जो विजडम है, आपके जो साइकिक एबिलिटीज हैं, आपके जो इंट्यूशंस हैं, वो और ज्यादा बढ़ने वाले हैं। दिस इज ऑल्सो आई एम गेटिंग हियर, ठीक है। आपके जो वो इंट्यूशंस है ना, आपके जो वो एनर्जी है, वो और स्ट्रांगली बढ़ने वाली है। इवन आप बहुत हैप्पी फील करेंगे आफ्टर दैट। आपको ऐसा महसूस होगा कि यही वो चीज थी जिस चीज को मैं अपनी जिंदगी में मिस कर रही थी। अच्छा, एक चीज और मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ, दिवाली के दिन या दिवाली के नेक्स्ट डे फॉर श्योर माई ब्यूटिफुल पीपल, आपको कोई ऐसा सपना या कोई ऐसी चीज विजन में आ सकती है जो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। एक ड्रीम जर्नल रखना स्टार्ट करें अपने पास। ड्रीम जर्नल का मतलब है एक ऐसी बुक या एक ऐसी कॉपी जिसके अंदर जो आपके सराहने रखी हुई हो। सुबह आप जैसे ही उठो आपको जो भी ड्रीम आया था वो आप लिख लो। एक चीज याद रखना, क्योंकि ड्रीम्स की एनर्जी बहुत ज्यादा है यहाँ पर पाइल नंबर वन, तो आपकी जिंदगी में बार बार लगातार अब ऐसे कुछ सपने आएंगे जो कि प्रोफेटिक ड्रीम्स होंगे। प्रोफेटिक ड्रीम्स वो ड्रीम्स होते हैं जो आपकी जिंदगी को रियलिटी से भरते हैं, यानी कि एक ऐसे सपने जो कि सच हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे सपनों को आपको लिख के रखना चाहिए, ओके। चाहे अच्छा हो या बुरा, आपको लिख के रखना चाहिए। अगर बुरा है तो आपको वार्निंग समझ आएगी, और अगर अच्छा है तो ऑब्वियसली बात है आप खुश महसूस कर पाएंगे। सो बहुत जल्दी आपकी जिंदगी में आपकी साइकिक एबिलिटीज बढ़ने वाली है, ट्रू लव आने वाला है, एंड आपको एक सपोर्ट सिस्टम मिलने वाला है। एक स्ट्रांग इंटेंसिटी के साथ आपके जीवन का बदलाव होगा इस दिवाली के बाद से, क्योंकि अमावस्या काफी ज्यादा बड़ी और गहरी होने वाली है इस बार, ठीक है। विजडम कीपर, वॉक इन गुड वे एंड सॉयल एंड स्टार्स, मैंने पहले बोला था आप लोगों को। विजडम सीकर, मैंने बोला था ना कि आप हो सकते हैं तो विजडम सीकर है, स्पिरिचुअल सीकर है, स्पिरिचुअल पर्सन है, ओके। तो यहाँ पर आपको ये चीज बोली जा रही है बार बार एंड बार बार कि आपको परेशान नहीं होना है। आपके पास जो भी रास्ता है ना, आप उस पर चलिए। उस पर आप चलेंगे ना तो आपकी जिंदगी के अंदर अपने आप, जिसे अपन बोलते हैं ना ऑटोमेटिक, तो आपकी जिंदगी में ऑटोमेटिक चीजें सफल होती चली जाएंगी। आपको ऐसा नहीं कि आपको किसी की जरूरत पड़ रही है। जस्ट बी बैलेंस्ड, बी इन योर सेल्फ, प्लस जितना हो सके उतना ना आप अपने जो साइकिक एबिलिटीज हैं, आपके जो इंट्यूशंस हैं, उनके ऊपर थोड़ा सा फोकस करने की कोशिश करें, ठीक है। अपने इंट्यूशंस को इम्पोर्टेंस दें। नाउ लेट्स सी परमात्मा आपसे क्या कहना चाहते हैं। फिजिकल पेन, द बर्डन ऑफ टीयर्स एंड द सोर्स, बॉटम ऑफ द डेक, ए मैसेज ऑफ फ्रीडम। परमात्मा आपको यहाँ पर ये बोलना चाहते हैं कि जब कोई अच्छी चीज हो रही हो ना तो उसको होने देना चाहिए। उसके अंदर फालतू में किसी प्रकार का कोई विघ्न नहीं डालना चाहिए, ठीक है। अगर आपकी जिंदगी में कुछ अच्छा हो रहा है तो उसे होने दीजिए, ना कि ये कि आप उसके अंदर किसी प्रकार का विघ्न डाल के उसको नेगेटिव करें, ओके। पहली चीज ये, आपकी जिंदगी में जो भी पास्ट में फिजिकल पेन रहा है, जो भी नेगेटिविटी रही है, जो भी फ्रस्ट्रेशन रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि अब जीवन भर ही ऐसा चलता रहेगा।
आप जितना पास्ट की चीजों को सोच सोच के रोते रहेंगे, उतना ही आप जगह बनाते रहेंगे पास्ट की उस नेगेटिविटी को आपकी जिंदगी में आने के लिए. सो प्लीज बी स्पेसिफिक व्हेनेवर यू जस्ट क्राई बिकॉज ऑफ द पास्ट. जब भी आप रोए पास्ट को लेकर के, तो ये चीज याद रखिएगा कि आप एक रास्ता बना रहे हो धीरे धीरे, जो कि पास्ट की जो नेगेटिविटी है उसको आप फ्यूचर में बुला रहे हो. इस चीज का ध्यान रखिएगा. ओके, आपको ईश्वर की तरफ से ये चीज भी बोली जा रही है कि आपको ना कुछ नियमों को अपनी जिंदगी में फॉलो करने की जरूरत है. ठीक है, कुछ एग्जैक्ट नियमों को आपको अपनी जिंदगी में ना फॉलो करने की बहुत जरूरत है. अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ नियमों को फॉलो नहीं करेंगे, देन डेफिनेटली यू गाइज विल नॉट गेट एनीथिंग. कहीं ना कहीं आप अपने आप को ना रुका हुआ, थका हुआ, बेजार, बेजान महसूस करेंगे. तो कुछ नियमों को फॉलो करें, जैसे कि सवेरे जल्दी उठना, रात को जल्दी सोना, सही खाना, एक्सरसाइज कर लेना डेली. कुछ नियमों को आपको फॉलो करने की जरूरत है. लेट्स सी और कौन सी ब्लेसिंग्स आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं. सॉरी, मेरा थोड़ा गला खराब है. सो साइकिक एबिलिटीज, ट्रू लव, सपोर्ट सिस्टम के साथ साथ हैप्पी फैमिली, ट्रैवल, वेडिंग. भाई ट्रू लव आ रहा है तो वेडिंग तो है ही, और क्या, गोल्ड और ज्वेलरी, अपना खुद का फ्लैट, मनी, एंड कमिंग 2-3 डेज के अंदर अंदर 2-3 वेज आएंगे आपके पास मनी को क्रिएट करने के, पैसा कमाने के साधन या तरीके. ओके, लेट्स सी गणेश जी क्या कहते हैं. एंड सब्र करना है, मैं एक रेमेडी बताऊंगी आप लोगों को. गणेश जी आपको कह रहे हैं क्लियर योर एनर्जी, बहुत जरूरी है. आपको एक बात बताती हूँ, पाइल नंबर वन, जिंदगी के अंदर अगर हम पास्ट की चीजों को सोच सोच के परेशान होते हैं, तो वो फ्यूचर में हमारे साथ होने लगती हैं. जब तक हम अपनी शुद्धि नहीं करते ना, जब तक हम अपनी नेगेटिविटी को क्लियर नहीं करते, तब तक हमारी जिंदगी के अंदर वो नहीं आ पाता जो हम चाहते हैं. ठीक है, तो अभी आपके ऊपर निर्भर करता है. यहाँ पे गणेश जी की तरफ से भी आपको यही एडवाइस आई है दिवाली की, कि क्लियर योर एनर्जी, अपनी एनर्जीज को क्लियर करें. ठीक है, अपनी एनर्जीज को क्लियर करें, बहुत जरूरी है आपके लिए. अगर आप अपनी एनर्जीज को क्लियर नहीं करेंगे, तो ऑब्वियसली बात है आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग्स या न्यू ग्रोथ कैसे हो पाएगी. ठीक है, अब आपने एक रेमेडी बताती हूँ मैं आपको, आपके दिल की संतुष्टि और शांति के लिए. आपने 11 कौड़ियां लेनी है. ठीक है, 11 कौड़ियां, आपको कौड़ियां दिख जाएंगी दिवाली पे किसी भी शॉप, किसी भी जगह पर. 11 कौड़ी लें. ओके, अब इन 11 कौड़ी को कुमकुम लगा करके, कुमकुम मतलब सिंदूर जैसा होता है, कुमकुम को लगा करके आपने किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ के आ जाना है. इस रेमेडी को आप बड़ी दिवाली, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, गोवर्धन, भाई दूज, इन चारों दिन में कभी भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, जब आप इसको मिट्टी में गाड़ोगे, तो आपने ये चीज जरूर बोलनी है कि हे ईश्वर, हे सर्वशक्तिमान परमात्मा, हे माँ काली, हे माँ दुर्गा या हे माँ लक्ष्मी, आप मेरी जिंदगी में ढेर सारा वाला सुख, संपन्नता और शांति लेकर आ रहे, धन्यवाद कहकर के मुड़ करके अपने घर आ जाइए. पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है. ठीक है, ये रेमेडी आप कीजिए. सवेरे के समय करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, एकदम अर्ली मॉर्निंग करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप शाम में भी कर सकते हैं, दोपहर में और रात में ना करें. ठीक है, ये काम आप लोगों ने करना है. ओके माय ब्यूटीफुल पीपल, सो पाइल नंबर वन गाइस, आप लोगों की जिंदगी में ये सारी चीजें इस दिवाली के बाद से होनी शुरू हो जाएंगे, बिकॉज दीज आर द थिंग्स यू आर मैनिफेस्टिंग. कुछ लोग हो सकते हैं जिनकी जिंदगी में ये सारी की सारी चीजें होने लगे, कुछ लोग हो सकते हैं जिनकी जिंदगी में इनमें से कुछ चीजें होने लगे, क्योंकि ऑब्वियसली बात है आप सब लोगों की एनर्जी डिफरेंट है. सो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और किसी भी प्रकार की पर्सनल प्री रीडिंग्स के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं ऑन माई इंस्टाग्राम.
अपना अपना ख्याल रखिएगा, खुद से प्यार कीजिएगा, हैव अ सेफ पॉजिटिव एंड अबंडेंस से भरी हुई दिवाली। जानवरों को दुखी ना करें, कम से कम पटाखे चलाएं ताकि इन्वायरमेंट भी सही रह सके। प्लस बहुत ज्यादा शोर करोगे तो बहुत सारे छोटे बच्चे, जानवर, बूढ़े लोग हैं जिनको तकलीफ होगी, सो इस चीज का भी ख्याल रखें। किसी खुले मैदान में पटाखे जलाने की कोशिश करें, ढेर सारी वाली मिठाइयाँ खाइए, इंजॉय कीजिए और सब लोगों में ब्लेसिंग्स को बांटिए। लव यू ऑल, आप सभी लोगों को हैप्पी दिवाली। हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर टू पीपल, कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज की इस रीडिंग के अंदर। सो पाइल नंबर टू को आप लोगों ने पिक किया है, इसका मतलब आप लोगों ने पिक किया है इनमें से किसी एक इनिशियल को, क्योंकि वो आपके नाम का पहला अक्षर है। जेड बी एच आई आर एल ई एफ एम टी यू जे एन डी, तो इनमें से अगर कोई भी इनिशियल आपका है, नाम का पहला अक्षर आपका है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। स्टार्ट करें, चलिए शुरू करते हैं आज की इस रीडिंग को। सो मैं इस पेपर को यहां रख देती हूँ सो दैट आप लोगों को दिखता रहे कि ये पाइल नंबर टू वालों की रीडिंग चल रही है। सो शुरू करते हैं विद मोर एंड मोर ब्लेसिंग्स, लेट्स सी व्हाट स्पिरिट हैज फॉर यू, क्या चीजें आप इस दिवाली पर मैनिफेस्ट कर रहे हैं। एंड इन द लास्ट ऑफ द रीडिंग मैं आप लोगों को बताऊंगी एक ऐसी रेमेडी जो कि आप कर सकते हैं कोई से भी दिन, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, गोवर्धन, भाई दूज, ओके, किन्हीं भी इन चार दिनों के अंदर आप कीजिए, इट विल गिव यू इमेंस ग्रोथ। और अगर दिवाली से दिवाली के दिन करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। चलिए देखते हैं, सो हे ईश्वर गाइड करें फॉर द पाइल नंबर टू। क्या आ रहा है पाइल नंबर टू वालों के जीवन में एज अ दिवाली ब्लेसिंग, प्लीज ईश्वर गाइड करें। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, चैरियट, एस ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, बॉटम ऑफ द डेक एम्परर, भाई साहब सीरियसली नाइस, मजे आ गए। ओके लेट्स सी फैरी की तरफ से क्या मैसेज है। डिविनेशन, आपको इस दिवाली पे ना कुछ रिचुअल्स करने चाहिए और कुछ चैरिटी भी करनी चाहिए, मैं बताऊंगी आपको ऐसा क्यों। उससे पहले थोड़े से कार्ड्स और निकाल लेती हूँ। इसलिए करनी चाहिए। बॉटम ऑफ द डेक द सपोर्ट, मैसेज, चांस, सरेंडर। बॉटम ऑफ द डेक है द डिवाइन गाइडेंस, सक्सेस, चेंज, इंटेंसिटी। बॉटम ऑफ द डेक द पोस्टपोनमेंट, और कुछ कार्ड्स हम थोड़ी देर बाद में चेक करेंगे, उससे पहले हम शुरू कर देते हैं आपकी रीडिंग। सो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर टू पीपल गाइस, आप लोगों के जो जोडियक्स हैं वो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन और कैंसर हो सकते हैं, ठीक है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड एग कैंसर की एनर्जी बहुत ज्यादा है, या तो ये आपके सन मून राइजिंग हो सकते हैं जोडियक्स, या फिर ये जोडियक्स आपके हो सकते हैं एग्जैक्टली आपके तिथि के हिसाब से, जिस तिथि को आपका जन्म हुआ है उसके हिसाब से, ठीक है।
या फिर माय ब्यूटीफुल पीपल, ये जो जोडियक्स अभी यहाँ पर निकले हैं, ये जोडियक्स की एनर्जी के अंदर अभी आप बहुत ज्यादा है। क्या आप अभी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और कैंसर की एनर्जी में काफी ज्यादा है। आपको पता है आप कंफ्यूज हो जाते हो जोडियक्स को लेकर के, लेकिन सिचुएशन यही है कि हर इंसान के एस्ट्रो चार्ट के अंदर 12 की 12 राशियां होती हैं, बट इट डिपेंड्स ऑन द पीपल वट दे आर यू नो गेटिंग एट दैट मोमेंट। तो कभी कोई राशि डोमिनेट होती है और कभी कोई राशि डोमिनेट होती है, इसलिए नाम के हिसाब से राशि डोमिनेट होती है, आपकी तिथि, जिस तिथि पे आप जन्म लिया आप में उसके हिसाब से भी राशि डोमिनेट होती है, और जो भी आप महसूस कर रहे होते हैं उसके हिसाब से भी राशि डोमिनेट होती है। तो ऐसा नहीं है कि आप ऐसा सोचिए रीडिंग मेरे लिए नहीं है। ओके, नाउ मैं यहाँ पर फील कर पा रही हूँ दैट यू आर अ फ्री स्पिरिट। आप एक फ्री स्पिरिट इंसान है। फ्री स्पिरिट का मतलब हो गया कि आप अपनी जिंदगी को पकड़ करके या अपनी जिंदगी को खराब करके रखना पसंद नहीं करते। यू गाइज आर ऑलवेज इन दिस एनर्जी टू ब्रिंग मोर एंड मोर क्लैरिटी, स्पेसिफिक पॉजिटिविटी इन योर लाइफ। आप हमेशा अपनी जिंदगी को नए सिरे से, नए तरीके से चलाना पसंद करते हैं। आपके मन में किसी प्रकार की कोई दुविधा, किसी प्रकार की कोई नेगेटिविटी कभी नहीं होती है। अगर कुछ आ भी जाता है ना, तो आप पूरी कोशिश करते हो कि सामने वाले से कंफर्म करें और चीजों को खत्म करें। यानी कि आप दिल में रखने वालों में से नहीं हो, हो सकता है आप काफी ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाते हैं बहुत बार। ठीक है, अच्छा एक चीज और मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ कि आपको बहुत बुरा लगता है किसी भी इंसान के दिल को दुखाना, और आप अपना कंपैरिजन लेकिन करते हैं लोगों से, आपसे जो अच्छे हैं, आपसे अच्छे इन सेंस आपसे पैसों में जो अच्छे हैं, आपसे जो अच्छा कर रहे हैं लाइफ के अंदर, उन लोगों को लेकर के आपके दिमाग में कंपैरिजन जरूर रहता है। और मुझे ऐसा लगता है कि वो ही चीज आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में गलत कर रहे हो। ओके, तो इस चीज को थोड़ा सा बदलने की कोशिश करें। एनीवेज माय ब्यूटीफुल पीपल, व्हाट ब्लेसिंग्स आर कमिंग इन योर वे ऑन दिस दिवाली टाइम पीरियड, क्योंकि दिवाली आपको पता है अमावस्या के दिन होती है, और अमावस्या दैट मीन्स न्यू मून, एंड न्यू मून हमेशा आपकी जिंदगी में कुछ ना कुछ नया क्रिएट करता है। सो व्हाट दिस टाइम दिस न्यू मून इज क्रिएटिंग इन योर लाइफ, सबसे पहली चीज मैं यहाँ पर भैया मनी का देख रही हूँ, ग्रोथ, वो भी तगड़ा वाला। और ये कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी है, ये कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जो अचानक से आपकी जिंदगी में आएगी, और आप बहुत उस चीज को लेकर के हैप्पी फील करोगे। लाइक आपके ना एनर्जी ऐसी रहेगी कि हाँ यार इस चीज की ना मेरी जिंदगी में जरूरत भी थी, और फाइनली ये चीज मेरे साथ है। आई एम सो हैप्पी, आई डिजर्व मच मोर, इससे कई गुना ज्यादा मैं अच्छा डिजर्व करती हूँ, और मुझे मिल भी रहा है। ठीक है, तो अगर काफी टाइम से आपका कोई अप्रेजल रुका हुआ था, या काफी टाइम से आपकी कोई सैलरी रुकी हुई थी, या काफी टाइम से आपका कोई सपोर्ट सिस्टम रुका हुआ था रिलेटेड टू मनी, तो कहीं ना कहीं वो चीज मुझे आपकी लाइफ में हैप्पीली होती हुई नजर आ रही है। ठीक है, मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ कि कुछ ऐसी वुमेन हैं जो अपने घर रहती हैं, हाउसवाइफ हैं, कुछ ज्यादा करती नहीं है, लेकिन वो अचानक से किसी बिजनेस को स्टार्ट करेंगी और वो बिजनेस उनका बहुत कम माल चलने वाला है। ठीक है, और ऐसा भी मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ बहुत स्ट्रांगली कि आपकी जिंदगी में मनी को लेकर के जो ग्रोथ है वो बहुत स्ट्रांगली आने वाली है। मनी को लेकर के जो ग्रोथ है, ठीक है, आप संतुष्ट महसूस करेंगे। आप देख सकते हो इस कार्ड को, इस कार्ड की ऊर्जा को देखो, आप बहुत संतुष्ट महसूस करोगे। आपको ऐसा लगेगा कि हाँ मेरे जीवन में सब कुछ है फाइनली। ओके, एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा मुझे संतुष्टि नजर ही नहीं करवा रही है ओनली, मुझे यहाँ पर ऐसा भी महसूस करा रही है जैसे कि आपको विक्टोरियस फील होगा। और यहाँ पर भी विक्ट्री का कार्ड हो गया, यहाँ पर भी विक्ट्री का कार्ड हो गया, और ये बहुत फास्ट होगा। परमात्मा की तरफ से आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है बहुत जल्दी। आप में से अगर कुछ लोग हैं जिनकी हेल्थ ठीक नहीं रहती है, या बार बार बीमार पड़ते रहते हैं, या घर में लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा चलते हैं, या समझ में नहीं आ रहा है कि लोग लड़ क्यों रहे हैं, कि लोगों को समझ क्यों नहीं आ रहा है, अगर आपके घर में किसी प्रकार की अशांति या किसी प्रकार की कोई दुविधा चल रही है, फाइनली आई एम सीइंग हियर इस दिवाली के बाद से चीजें थोड़ी सी चेंज होंगी, एंड आपको ऐसा महसूस होगा कि नहीं यार जो जैसा कर रहा है करने दो इनको, इनकी अपनी खुद की जिंदगी है। आप थोड़ा सा ना वरिड होना बंद करेंगे, और आप जैसे जैसे वरिड होना बंद करेंगे ना, वैसे वैसे आपकी जिंदगी में और सुख शांति और वैभव आता जाएगा। सो आई एम सीइंग फर्स्ट थिंग हियर इज द क्वीन ऑफ पेंटिकल, दैट मीन्स संतुष्टि, किसी नए काम को शुरू करने की खुशी, अपने आप को हैप्पी और ग्रेटफुल फील करोगे आप चीजों को लेकर के। ठीक है, न्यू वेज के साथ, न्यू नए तरीकों के साथ आप अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाओगे विद द कार्ड ऑफ चैरियट।
एंड ऑल्सो आई एम सीइंग हियर विद द एस ऑफ पेंटिकल्स दैट आपकी जिंदगी में अपॉर्चुनिटी आ रही है. अपॉर्चुनिटी का मतलब है आपकी जिंदगी में मनी को लेकर के अपॉर्चुनिटी आ रही है. ये अपॉर्चुनिटी परमात्मा की तरफ से, काफी टाइम से आप किसी चीज को मांग रहे थे, फाइनली वो चीज हो सकता है पूरी हो रही है. नाउ यहां पर ना आपको एक मैसेज दिया जा रहा है पाइल नंबर टू पीपल. ये मैसेज है परमात्मा की तरफ से. आप क्या है ना, आप चीजों को सरेंडर नहीं करते. चीजों को सरेंडर करने का मतलब है कि जो हो रहा है उसको आप परमात्मा पर नहीं छोड़ते. आप क्या करते हो, हमेशा खुद सोचते रहते हो, ओवर थिंकिंग करते रहते हो. तो आपको परमात्मा की तरफ से एक मौका दिया जा रहा है, आपको परमात्मा की तरफ से एक चांस दिया जा रहा है, वो भी बहुत जल्दी. ठीक है, बहुत जल्दी आपके पास में एक चांस आने वाला है कि भाई आप अब उस चांस को किस तरीके से इस्तेमाल करते हो. आप उस चांस को एज ए पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी की तरह पिक करके कुछ अच्छा बड़ा क्रिएट कर लेते हो, या फिर आप उस मौके को गवा देते हो. तो किसी प्रकार का मौका, किसी प्रकार का चांस आप भगवान से मैनिफेस्ट कर रहे हो बहुत जल्दी इस दिवाली के बाद. ठीक है, ऑल्सो आई एम सीइंग हियर इज कि आपको परमात्मा ये मैसेज देना चाहते हैं कि आपको अपनी जिंदगी में चल रही परेशानियों को थोड़ा सरेंडर करना चाहिए. ठीक है, क्योंकि जब तक आप चीजों को थोड़ा सा सरेंडर नहीं करोगे ना पाइल नंबर टू पीपल, तब तक आपकी जिंदगी में ना कुछ चीजें हैं जो अधूरी रह जाएंगी और वो चीजें ना कंप्लीट नहीं हो पाएंगी, वो चीजें फुलफिल नहीं हो पाएंगी. ठीक है, तो इस चीज का थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि परमात्मा आपको कहना चाहते हैं थोड़ा सा सरेंडर करें. ओके ओके यस. तो मुझे बीच में पॉज करना पड़ा वीडियो बिकॉज बाहर इतना शोर हुआ अचानक से, तो मुझे पॉज करना पड़ा. तो हम बात कर रहे थे कि यूनिवर्स आपको क्या कह रही है, राइट? तो यूनिवर्स आपको ये कहना चाहती है दैट सरेंडर द सिचुएशंस बिकॉज सम अपॉर्चुनिटीज, सम चांसेस आर कमिंग इन योर वे. और अगर आपने उन चांसेस को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट नहीं किया, समहाउ आप एक बड़ी अपॉर्चुनिटी अपनी जिंदगी में खो सकते हैं. सो आने वाले समय में ना, दिवाली के बाद, आपने इस चीज के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना है दैट सम गुड थिंग्स, गुड विल्स आर कमिंग इन योर वे. तो उन चीजों को आपने छोड़ना नहीं है, घबराना नहीं है, पॉजिटिवली उन सब चीजों को एक्सेप्टेंस में ला करके आगे बढ़ाने की आपको जरूरत है. नाउ द नेक्स्ट थिंग मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ, आपके एंसेस्टर्स की तरफ से एक बहुत ही क्लियर मैसेज. आपके जो एंसेस्टर्स है ना, जैसे कि आपके जो पूर्वज हैं, जिन जो अब इस दुनिया में नहीं है, है ना, जो एंसेस्ट्रल वर्ल्ड यानी कि पितृलोक में चले गए हैं, उनकी तरफ से आपको एक मैसेज है. वो आपको कहना चाहते हैं कि उनका जो आशीर्वाद है वो सदा आपके साथ है. वो कभी भी आपको भूले नहीं है, ना वो कभी आपको भूलेंगे, क्योंकि उनको एक चीज पता है कि जो भी इस रीडिंग को भी देख रहे हैं गाइज, आपके पूर्वजों को ये चीज पता है कि आप इकलौते ऐसे इंसान हो उनके पूरे खानदान में जो आगे आने वाले समय में ख्याति या आगे आने वाले समय में लोगों के बीच में उनका मान सम्मान, उनकी प्रतिष्ठा बढ़ाओगे. ठीक है, दिस इज वॉट दे फील. और उनको ऐसा फीलिंग आती है कि आप उनकी स्टोरी, उनके बारे में या उन्होंने क्या क्या किया आपके खानदान में, इस चीज को भी आगे बढ़ाने की कोशिश करें. ऑल्सो आई एम सीइंग हियर कि आफ्टर दिस दिवाली यू गाइज विल फील अ स्ट्रांग ट्रांसफॉर्मेशन. एक बहुत ही खूबसूरत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आप अपनी जिंदगी में देखोगे. मैं यहाँ पर कुछ लोगों के जीवन में भर के मनी आता हुआ देख रही हूँ, कुछ लोगों के जीवन में चांस आते हुए देख रही हूँ, कुछ लोगों के जीवन में मैसेज ऑफ पीस की ऊर्जा देख रही हूँ, कुछ लोगों के जीवन में एल्डर्स का या एंसेस्टर्स का आशीर्वाद देख रही हूँ. तो कुछ लोगों के जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन देख रही हूँ. ट्रांसफॉर्मेशन इन सेंस ऑफ, आज आपके पास पैसा है, अच्छा, तो आप अपने लुक्स पे भी ध्यान दोगे. आपके पास एक अच्छा पैसा है तो आप चैरिटी भी करोगे. आपके पास पैसा है तो आप ईश्वर को भी बहुत डिलाइटेडली कुछ ना कुछ ऑफर करोगे, और फिर वो जो चीज आपने उनको ऑफर करी है वो अगेन आप चैरिटी करोगे. ठीक है, तो देखो पैसा सब कुछ नहीं है, बट पैसा बहुत कुछ है. ठीक है, और वही पैसे की ऊर्जा मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए देख रही हूँ कि आपके जीवन में भर के अबेंडेंस आ रहा है, मनी अबेंडेंस, जिसकी वजह से आपकी जिंदगी ट्रांसफॉर्म हो रही है. ठीक है, आप अपनी सेहत पे, अपने लुक्स पे, अपने फीचर्स पे काम करने वाले हो. इवन आपको जो परियां हैं, जो फेरीज हैं, वो कहना चाहती है डिविनेशन. दैट मीन्स इम्ब्रेस योर पावर ऑफ डिविनेशन विच आर स्पेशली स्ट्रांग राइट नाउ. यू हैव द एबिलिटी टू सी योर करंट सिचुएशन विद क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी. आपको बोला जा रहा है कि आपके अंतर मन में ना
कुछ बहुत ही खूबसूरत चीजें हैं, ठीक है। आपका अंतर्मन बहुत ही पवित्र और शांत है, आपके अंदर ईश्वर की डिविनेशन वास करती है, तो आपको कहीं ना कहीं माय ब्यूटीफुल पीपल इस चीज को समझने की जरूरत है कि आपकी जो भी प्रेजेंट सिचुएशन चल रही है उसको क्लैरिटी के साथ देखें और उसके ऊपर सही तरीके से काम करें। वाई सो? Because very soon I'm seeing positive changes are coming, very soon success is coming and intensity is बहुत high रहेंगी। कुल मिलाकर के मैं यहाँ पर ना आप लोगों के जीवन में इस दिवाली के दिन success देखती हूँ, वो भी बहुत खुशी के साथ, वो भी बहुत संपन्नता के साथ, किसी प्रकार की happy growth से भरी हुई success, ऐसी सक्सेस जो कि परमानेंट हो, जो जाए ना इजीली, ठीक है। माँ काली का कार्ड है और माँ दुर्गा का कार्ड है, वाओ नाइस। पाइल नंबर टू पीपल, माँ काली और माँ दुर्गा आपको ब्लेसिंग्स देती हैं ढेर सारी ऊर्जा के साथ, और माँ काली और माँ दुर्गा यानी कि जो स्त्री तत्व है वो आपको सदा खुश संपन्न रहने का आशीर्वाद देती है। आपको बोला जा रहा है कि प्रेजेंटली अगर आप बहुत ओवरथिंकिंग करते हैं, नेगेटिव रहते हैं, रोते रहते हैं, जो भी आपका लॉस हुआ है पास्ट में उस चीज के बारे में सोचते रहते हैं, तो इस चीज को समझिएगा कि दिस इज नॉट यू, ये आप नहीं हो। आपको अपने अंतर्मन को बदलने की जरूरत है। अब लोग बोलेंगे अंतर्मन को बदलो बदलो बदलो, अरे भाई कैसे बदलें, क्यों नहीं बदल सकते? आपके जीवन में जो चीज अच्छी है क्या आप उसके प्रति थोड़ा सा परमात्मा को थैंक यू या ग्रैटिट्यूड या शुक्रिया अदा नहीं कर सकते? आप करके देखिए, आप धीरे धीरे बदलेंगे। आपको इस चीज को दिमाग में रखना है कि जो कुछ भी चल रहा है या जो कुछ भी आगे चल करके होगा वो सब ईश्वर की कृपा से हो रहा है, मुझे सिर्फ सीखना और आगे बढ़ना है। ओके, सो मनी अबंडेंस, ढेर सारा वाला ट्रैवल, अपॉर्चुनिटी, चांसेस, लर्निंग्स, ब्लेसिंग्स फ्रॉम द एंजल्स, फ्रॉम योर एंसेस्टर्स आर कमिंग। प्लस आपके लिए और आप क्या लेकर आ रहे हो इस दिवाली के टाइम, ओवरकम फ्रॉम हार्ट ब्रेक, किसी नेगेटिव हार्ट ब्रेक से आप निकलोगे बाहर, आप काफी रिलीजियस फील करोगे, अपना सोल पर्पस जियोगे, ठीक है, ट्रू लव पॉजिटिवली मैनिफेस्ट करोगे, अच्छे बच्चों को आप मैनिफेस्ट करोगे एंड चैरिटी आप अपनी जिंदगी में देखोगे कि आप कर रहे हो। तो गणेश जी की क्या एडवाइस है आप लोगों को दिवाली के लिए, आइए देख लेते हैं। पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन, आपका जो भी लाइफ चल रही है, जैसी भी चल रही है, हैक्टिक है, बुरी है, भली है, जैसी भी चल रही है, यू हैव टू ट्रांसफॉर्म योर पर्सनल एनर्जीज। आपको अपने अंतर्मन को ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत है। आप जितना ओवर थिंकिंग करते रहोगे, जितना आप ओवर असिस्टिव फील करते रहोगे, जितना आप ओवर चीजों को यू नो पिक करोगे ना, उतना ही आपकी जिंदगी का जो पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन है वो रुक जाएगा। सो अपने पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन को आगे बढ़ाएं और ढेर सारी वाली पॉजिटिव लक्जरी को इस दिवाली मैनिफेस्ट कीजिए, ठीक है। नाउ द रेमेडी ऑफ टुडेज डे, आप इस रेमेडी को कर सकते हैं छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, गोवर्धन वाले दिन या भाई दूज वाले दिन। आपने क्या करना है, एक कमल गट्टा लेना है, ठीक है, कमल गट्टा लेना है और एक हल्दी की गांठ लेनी है। कमल गट्टा और हल्दी की गांठ दोनों को आपस में जोड़ना है आपने मूली के धागे से, ठीक है। मूली के धागे से जोड़ने के बाद आपने क्या करना है, इसको किसी भी कोई ऐसी तुलसी जिसके अंदर शालिग्राम रखे हुए हैं, ठीक है, उसके अंदर रख दीजिए। ये आपके घर में नेगेटिविटी को दूर करेगा, आपके घर में मनी अबंडेंस को लेकर आएगा एंड फॉर श्योर इस रेमेडी को करने से आपके जीवन में संपन्नता और मनी अबंडेंस बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा, ठीक है। तो आप इस रेमेडी को कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज द गाइडेड रेमेडी फॉर टुडेज रीडिंग। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग। ये सारी चीजें आप इस दिवाली पर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो इस दिवाली को खूबसूरती के साथ मनाइए। हैव अ ब्यूटीफुल, सेफ, हैप्पी एंड अबंडेंस से भरी हुई दिवाली टू माय ऑल ब्यूटीफुल पाइल नंबर टू पीपल गाइस। एंड ऑल्सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि कम से कम पटाखे चलाएं ताकि आप पर्यावरण को प्रदूषित होने से रोक सकें। प्लस कम पटाखे चलाओगे तो कम शोर होगा, कम शोर होगा तो ऑब्वियस सी बात है जो जानवर है वो है ना, जो स्ट्रीट एनिमल्स हैं या जो घर पे भी पालतू जानवर रहते हैं वो, जो छोटे बच्चे हैं एकदम है ना, जो नियोनेट्स हैं वो, और जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको तकलीफ नहीं होगी, ठीक है। और खुले किसी मैदान में जाके पटाखे चलाइए और खुद का ढेर सारा वाला ख्याल रखिए, खूब मिठाइयाँ खाइए, एक दूसरे को खिलाइए, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, अच्छे से एंजॉय कीजिए, अच्छी अच्छी फोटोज और पिक्चर्स को पोस्ट कीजिए। तो जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी लोगों को हैप्पी दिवाली।